नमस्कार दोस्तों, NTB मोटिवेशन YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं ऐसी महिलाएं कौन सी हैं? वो महिलाएं आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एक महिला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। एक महिला अपने जीवन में ना जाने कितने किरदार निभाती है। पहले वो बेटी, बहन, पत्नी, बहू और फिर माँ बनती है। शादी के बाद उसके पति की इच्छा होती है कि उसके हर एक सुख और हर एक दुख में उसका साथ निभाए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि एक महिला ही होती है जो अपने पति और ससुराल वाले दोनों के जीवन में सुख शांति ला सकती है। शादी से पहले हर किसी की तमन्ना होती है कि उसे एक ऐसी पत्नी मिले जो उसका और उसके परिवार वालों का अच्छे से ख्याल रखे। दोस्तों, कहते हैं हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन शादी के बाद अगर आपके जीवन में अचानक से मुसीबत आ जाए या फिर आपको हर काम में असफलता ही मिलने लगे तो इसकी वजह आपका जीवन साथी भी हो सकता है। दोस्तों, यदि आप इस गलत फहमी में हैं कि हर महिला आपके या आपके घर वालों के लिए भाग्य बढ़ाने वाली होती है तो आप इस गलत फहमी से दूर हो जाइए, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लेकर आती हैं। दरअसल ये परेशानियां उनकी आदतों की वजह से होती हैं। दोस्तों, पुराणों में भी उन महिलाओं के बारे में बताया गया है जो अपने साथ दुर्भाग्य लाती हैं। आज हम आपको ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने पति के लिए बहुत खतरनाक साबित होती हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर एक, दोस्तों, ऐसी महिला जो अपने पति को बिना बताए उसके पर्स, बैंक या ATM से पैसे निकाल ले तो वो आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। पत्नी के ऐसा करने पर आपके घर की बरकत रुक जाती है। नंबर दो, दोस्तों, यदि किसी स्त्री को बहुत देर तक सोने की आदत है तो वो आपके घर और परिवार के लिए अशुभ साबित हो सकती है। दोस्तों, देर तक सोने वाली महिलाएं अपने पति और उसके परिवार के लोगों की असफलता का कारण बन सकती हैं। नंबर तीन, दोस्तों, रात को सोते समय जो पत्नी अपने माथे का सिंदूर धोकर सोए तो उस व्यक्ति के असफल और दुर्घटना होने की बजाय उसकी पत्नी बन सकती है। नंबर चार, दोस्तों, ऐसी पत्नी जो काले रंग के कपड़े पहने या फिर ऐसे कपड़े पहनना पसंद करे तो वो अपने पति और परिवार वालों के लिए दुर्भाग्य का कारण होती है। नंबर पाँच, दोस्तों, यदि आपकी पत्नी गुरुवार के दिन बाल धोती है तो उसे ऐसा करने से मना करें, क्योंकि उसके ऐसा करने से आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। नंबर छः, दोस्तों, ऐसी पत्नी जो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन भी मांस का सेवन करती है तो वो अपने पति की बर्बादी का कारण होती है। नंबर सात, यदि कोई पत्नी बहुत ज़्यादा पुराने ब्रश का इस्तेमाल करती है तो उसकी ये आदत आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। यदि वो ऐसा करे तो उसे ऐसा करने से आप मना करें। और दोस्तों, नंबर आठ है, जिस किसी भी व्यक्ति की पत्नी अधिक स्टाइलिश हो और बार बार पार्लर जाती हो तो उसकी ये आदत आपकी बर्बादी का कारण अवश्य बनेगी। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग
इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।